कीचड़ से परेशान महिलाएं पहुंची नगर परिषद। खबर नगर परिषद बैरार से है, जहां सरकार एक और हर गली मोहल्ले में सड़क डालने का वादा कर रही है। वहीं बैरार में भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से सरकार की समस्त योजनाएं और क्रियान्वयनों पर नगर परिषद के द्वारा पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बैरार के कई वार्ड ऐसे हैं जहां आज भी लोग नरकी जीवन जीने को मजबूर है। गंदगी और जल भराव के कारण बीमारियों के बीच घिरे हैं और लगातार शिकायतों के बाद भी नगर परिषद का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बच्चों को स्कूल जाने सहित आमजनों को पैदल चलने के लिए घुटनों तक पानी से निकलना पड़ रहा है, लेकिन जनता की सूत लेने वाला कोई नहीं है। इस बीच आज वार्ड क्रमांक 11 की महिलाएं बच्चों सहित रास्तों में ही रहे जल भराव और कीचड़ से परेशान होकर नगर परिषद बैरार पहुंची। वार्डवासियों का कहना है कि सीएमओ महेश जाटव द्वारा अतिक्रमण में रहने और अपने निवासों के कागज मांगे जाते हैं। रहवासियों ने कहा कि अगर वह अतिक्रमण में रह रहे हैं तो फिर जिन वार्डों और मोहल्लों में रास्तों में से इस निर्माण की सुविधा है, क्या वह सभी रजिस्ट्री के हैं? इस तरह से लोगों को डराकर उनकी समस्या का निराकरण न कर मुख्य नगर परिषद अधिकारी अपने काम से पीछा छुड़ा रहे हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 12 और 13 में गुरुकृपा स्कूल के पास भी रहवासी समस्या से जूझ रहे हैं। बैरार से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आपके वार्डवासी यहां उपस्थित हैं, इस समस्या को लेकर आए हैं, इसमें आपका क्या कहना है? वार्डवासी पूर्व में पहले 5-6 बार मेरे पास आ चुके हैं। नगर परिषद में लेके गया था, पहले 5-5 लोग थे, बहन बेटी सब थे। नियमों साहब का कहना ये था, मेरे को जो पी जी की बोल रहे हैं उसमें टीएस हो गया, टेंडर होता गुर्जर पास के, तो गुर्जर साहब के पास एक साल से टेंडर पड़ा है, काम उन्हें स्टार्ट नहीं किया। मैंने 30 बार बोल दिया कम से कम। यहाँ ये लोग आए थे अपनी शिकायत लेके, तो सीएमओ साहब ने इनको बोला कि अपने कागज बताओ करके, अपना टैक्स भरते हो क्या, क्या करते हो क्या करते हो, कागज दिखाओ। तो इनको डरा डमका के यहाँ से भगा दिए, वो बक्से डर जाओ पूरी बात, और ये अंबर सची नहीं है। अब बाकी उसके बाद में बाड़ी की इतनी हालत ख़राब है कि अच्छा आदमी को निकलने की अव्यवस्था हो रही है। मैंने भी सीएमओ साहब को बोला, इंजीनियर साहब को बोला, इन्हें जगवा रहे हैं, करवा रहे हैं, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मनमर्जी काम हो रहा है, जहाँ और फिलहाल में काम भी चल रहे हैं, जहाँ कोई बाहुबली है जो ज्यादा लड़ाकू है, राजनीतिक रूप से सक्षम है, पूरा काम जल्दी हो जाता है। जी, क्या नाम है महाराज आपका? स्वामी लक्ष्मणानंद परमहंस जी, शनि मंदिर। अच्छा, शनि मंदिर बैराड। कौन से वार्ड में है जी? वार्ड क्रमांक 11। तो जी काय के लिए आए हो नगर परिषद में? ये मंदिर पर आने जाने वाले भक्त लोगों को, बच्चों को, पढ़ने वालों को, सभी को दिक्कत आती है। पानी की परेशानी आ रही है, टैंकर नहीं आते हैं, और रात्रि में मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले सब गिर पड़ते हैं। तो यहाँ पहले आपने कभी शिकायत नहीं की है ना? शिकायत की तो सीएमओ साहब ने बोला कि आप कागज लाओ, रोटरी लाओ, ये अतिक्रमण में, तो बैराड़ तो सारी अतिक्रमण में ही है, तो वहाँ आरसीसी कैसे गिर गई, सभी में गिर गई। उस शनि मंदिर की जो गली है वो बजरावाली माता रोड से और बरोद रोड तक आई हुई है, वो कच्चा पड़ा हुआ है, वो क्या कारण है, वो सब जगह सीसी डल चुकी है, सब जगह सीसी गिर चुकी है, केवल वही अतिक्रमण में ये बोलते हैं, वो हमसे कहते हैं कि वो अतिक्रमण में, बैराड़ तो पूरी अतिक्रमण में ही है। अच्छा, इसका क्या कारण है? तो अभी यहाँ क्या, अभी यहाँ काय के लिए आए थे? अभी तो हम अपनी समस्या सुनाने के लिए, आवेदन दिया सीएमओ साहब को, आवेदन देने के लिए आए थे। सीएमओ साहब मिले? नहीं मिले। अच्छा, आवेदन किसको दे दिया? आवेदन आवक जावक में दे दिया है। हाँ ठीक। सिंह वर्मा। तो क्या करते हो आप? स्कूल प्रबंधक है। स्कूल प्रबंधक? कौन सा स्कूल है आपका? गुरु कृपा सेकेंडरी स्कूल। कौन से वार्ड में? वार्ड 12-13 दोनों लगते हैं। अच्छा, यही पे निवास करते हो? हाँ, यहीं से। तो आप लोगों की क्या समस्या है? ये मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हुए हैं, ये छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे और महिलाएं भी है, क्या समस्या आप लोगों की? वार्ड 12-13 के जितने भी जो घर बने हुए हैं उनके सभी बच्चे हमारे स्कूल में और इसके अलावा अन्य स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, तो बरसात के दिनों में 2 महीने उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, आने जाने में इतनी असुविधा है, और कीचड़ में अधिक होने के कारण पानी की समस्या बहुत पैदा हो रही है। टैंकर वाले भी पानी नहीं यहाँ पर नहीं लेके आते, और मच्छर पनप रहा है, उससे मलेरिया और बीमार बच्चे पड़ रहे हैं। और 2013-14 से लेकर के कईयों बार प्रशासन को इस बात को अवगत कराया है, नगर पंचायत पर गए हैं, आवेदन दिए हैं, 181 भी लगाए, एक दो बार 181 लगाई है तो संतुष्ट करे कि एक दो ट्रॉली मिट्टी डलवा के वहीं शांत कर देते हैं और दबा देते हैं। और
ये आबादी वाला क्षेत्र है, इसमें सबसे पुरानी गली है वार्ड 13। और इसके अलावा जो भी इधर की नई गली बनी है, जो अतिक्रमण में बनी है और औद्योगिक विभाग की जो जमीन आ रही है उनमें बनी है, उनमें जो टपरे मोहल्ले बने उनमें ये केक करके सीसी डाली गई है। परंतु मैं ये नहीं जानना चाह रहा, ये नहीं है पता कि प्रशासन की नगर पंचायत की ऐसा क्या कारण बन गया इस गली में अभी तक सीसी नहीं डल पाई। और यदि आगे यदि ये मोहल्ले वाले सब लोग इकट्ठे हुए परेशान हो रहे हैं और आगे यदि कोई इस तरह की सुनवाई नहीं की गई, इस पर कार्रवाई नहीं की गई, तो हम सब लोग नगर पंचायत पर धरना देंगे। नगर पंचायत वाले नहीं सुनेंगे तो और ऊपर जाके भी इसको हम ध्यान आकर्षित कराएंगे इस प्रशासन को। और यदि इस तरह से चलता रहा तो आने वाले चुनाव में बिल्कुल मतदान का विरोध करेंगे, किसी के लिए मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रशासनिक की जो सुविधाएं दी जा रही हैं इस बाढ़ 13 के वासियों को किसी प्रकार का कोई सुविधा प्रशासन द्वारा प्रदान नहीं की जा रही, ना तो जल योजना, ना नल योजना, ना सीसी, किसी तरह की समस्या पैदा हो रही है। और बस यही कहना चाहते हैं। रामजीलाल, कौन से बाढ़ में रहते हो? बारह में। तो क्या समस्या है तुम लोगों को यहाँ पे? यहाँ जो परेशानी है, मच्छर खा रहे हैं, सब काट रहे हैं, बुखार आ रहे हैं, मोड़ी बीमार है सब। अच्छा, तो ये कीचड़ के कारण? हाँ, कीचड़ कारण आ रहे हैं, मच्छर जेमत बढ़ रहे हैं और का। तो क्या आपने नगर परिषद में इसके खिलाफ आवेदन दिया रोग के लिए? दिया को कही क्या कहते हैं परिषद कर्मचारी? और पैसा ही नहीं है, फला नहीं है, ढिकान नहीं है। अच्छा, आज तक आए अभी तक नहीं आए? कितना टाइम हो गया है इसको? मुका तो टाइम हो गया, तो अभी आप क्या चाहते हो इसको लेकर? इसके आरसीसी करवा दो भाई। अगर ये आरसीसी नहीं की गई नगर परिषद द्वारा तो आप क्या करोगे आगे, क्या कदम उठाएंगे भाई साहब? नहीं मतलब आपको मतलब उसके बाद क्या कहीं ऊपर शिकायत करोगे या क्या कुछ करना चाहोगे? ऊपर जाएंगे, शिकायत करेंगे, जाके नहीं कर पाएंगे तो पंचायत में जाएगा। क्या है आपका? तो जी काय के लिए आए हो? नगर पंचायत, नगर पंचायत में रास्ता 11 वार्ड क्रमांक खराब है। कौन सी गली में? पानी भर रहा है। कौन से रास्ते में? 11 वार्ड में, शनिदेव मंदिर वाले में। मंदिर वाले। अच्छा अच्छा, तो क्या यहाँ आवेदन वगैरह दिया था, क्या हुआ? पहले आए थे, पहले ये वो सरकारी पड़ी है, कागज बताऊंगा। फिर सरकारी पड़ी है मतलब? मतलब कागज बताऊंगा आगे। अच्छा, कागज फोन में बताया, सरकारी में गिर रहे हैं रास्ता। अच्छा, तो और जनप्रतिनिधियों से नेता मतलब जनप्रतिनिधि विधायक वगैरह से गुहार लगाना चाहे? विधायक साहब आए तब सुनाए थे वोट लेके फिर चाहिए वोट देंगे, और सबन में नौ बजे तो वोट देंगे और रास्ता दंड करवा रहा हूँ। आज विधायक सामने सफाई आओ नहीं है दर्शन कर। अच्छा, जय निवेदन है विधायक। तो क्या कहना चाहेंगे तुम विधायक से? रास्ता सही करवा, सही बात है, ठीक है। नाम है आपका? कहाँ रहते हो? अच्छा, तो काय के लिए आए हो जाए नगर पंचायत में आए हो? अच्छा, निकला ही नहीं आ रहा। तो यहाँ कोई मिला क्या कर्मचारी? कोई नहीं मिला। अच्छा, तो इसके लिए इससे पहले कभी शिकायत की थी? कोई। अच्छा, तो क्या हुआ? नहीं, क्या क्या बोलते हैं आप नगर पंचायत? कहाँ रहती हो आप? खाली मड़ में। तो क्या समस्या है आपकी? जे रोड की समस्या है, खींचे में मड़बड़ी नहीं निकल पा रहे और हम उठ उठ के गिर रहे हैं जाम में। कब से आ रही है ये समस्या आपको? समस्या आ रही है 6 महीने हो गई, 2 साल है चली। 2 साल? हाँ, बरसात हो रही है तब से बहुत ज्यादा आ रही है, स्कूल भी बंद है 2 महीने से, पानी का टैंकर भी नहीं आ रहा 2 महीने। हम बिल्कुल पानी के परेशान है, खुल भी इतनी परेशान है हम। नगर परिषद में आपने इसके लिए आवेदन दिया था? दो बजे दे दिया, फिर कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं पैसे नहीं है, खाते नहीं। अच्छा, और क्या दिक्कत आती है यहाँ पे? बच्चे गिरते हैं, आप स्कूल भी है बगल में तो 2 महीने से स्कूल भी बंद है। अच्छा, और क्या? और हम लोगों को भी दिक्कत आती है, कीचड़, ये बहुत रास्ते में कीचड़ है।